समय ना बेकार करें। देखिए F1 कैसे पता लगेगा, फिक्स इज गिवन, दी हुई थी 11:30 की फिक्स निकाली थी हमने, यस और नो। CTS इंजन स्पीड 296 जा रहा, जिसको 290 में हमने कन्वर्ट किया था, इंजन स्पीड 13, सेट एंड इट्स रेट वाज गिवन 220 एट 3 नॉट्स। लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, व्हाट इज आस्क्ड, टाइम ऑफ पासिंग अ बीम, टाइम ऑफ पासिंग एंड टाइम अ बीम, CMG SMG कैन आल्सो बी आस्क्ड। ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, नाउ इज द टाइम टू थिंक। ये थी आपकी CTS, कहां से लगा, स्टार्टिंग पोजीशन, लेकिन हमारा लीवे ट्रैक था, ध्यान से देखना है ये क्या है, CMG SMG, इसमें लीवे नहीं है अभी, ये CTS लगाया, सेट और ड्रिफ्ट लगाया, ये एस्टिमेटेड पोजीशन, ये लाइट हाउस, कब होगा लाइट हाउस अबीम, कब होगा अबीम, यहां पे शिप ऑलवेज मूव्स ऑन CMG अबीम, कैन यू सी दिस एंगल इज 90, यस और नो, यस सर, अबीम इज 90 degrees टू CTS, और अगर ऐसा करे, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज पासिंग 90 degrees टू CMG, कैन यू सी दिस, ये 90 है, ये दोनों टाइम निकाले थे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, हमारा वाला क्वेश्चन था ऐसे, ध्यान से और भी कंसंट्रेशन, इसमें लीवे ट्रैक है, व्हाट पोजीशन इज दिस, व्हाट पोजीशन इज दिस, सोच के बोलिए, डोंट जस्ट बैबल एनीथिंग, अगर मैं आपके ऑफ टाइम में आपको दिखा रहा हूं तो आपके भले के लिए, यू कैन कंसंट्रेट, व्हाट पोजीशन इज दिस, अब बोलिए सर, अबीम पोजीशन, अबीम पोजीशन, रॉन्ग, ये 90 डिग्रीज टू लीवे ट्रैक है, अबीम पोजीशन CTS पे होती है चाचू, ये है क्या पासिंग, इसका विंड से कुछ लेना देना नहीं है, इट्स 90 डिग्रीज टू CMG, तो बीम पोजीशन क्या होनी चाहिए, देखिए स्क्रीन पर, ये वाली देखा, ये है 90 डिग्रीज टू CTS, हमने तो 90 डिग्रीज टू लीवे ड्रॉ किया थी, कुछ भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग, समझ आई, व्हाट इज अ बीम, व्हाट इज पासिंग, पासिंग इज 90 डिग्रीज टू CMG, विंड है कि नहीं है कोई फर्क नहीं, बीम इज 90 डिग्री टू CTS, विंड है कि नहीं है कोई फर्क नहीं, ये एंगल 90, इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन दिस विल बी 90 डिग्रीज, ठीक है, यस सर, अगली बार जब मैं क्लास में आऊं तो ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये हम हर क्वेश्चन में, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में यूज करें, ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जैन सर आप आ गए क्या, रजत सर, सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है आपके, सर ठीक हूँ, आप बताइए सर, सुनाई दे रहा आज आपका बर्थडे है, कोई कह रहा है आज की कंग्रेचुलेशन, कोई कह रहा पुरानी, क्या हो गया, जितनी जल्दी बर्थडे हो जाएगी जल्दी बुड्ढे हो जाएंगे, यू वांट टू बी लाइक मी और व्हाट, कोई मुश्किल से तो बचे हैं इस बार, तो इस बार का बर्थडे तो स्पेशल है ही, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कब है आज ही है बर्थडे क्या, सर कल था सर, कल, यस सर कल था, बताओ कल मैं सारा दिन मेमोरी में था, पता ही नहीं लगा, बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, बड़ी मुश्किल से क्यों बचे हो यार, मेरी उम्र के ले ले 25-25 साल, क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू, चलिए बाद में बात करते हैं, अभी तो क्लास के मैंने आपके 5-10 मिनट ले लिए, क्योंकि मेरा टीम तंग कर रहा था पिछली क्लास में, हो गया लेकिन ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, शाम को बात करता हूँ आपसे, कितने बजे सो के उड़ जाते हैं सर, मैं 9:30 सो जाता हूँ दोपहर रात को, तो 9:30 से पहले बात कर लूंगा, 8:30-8:30 बजे, ठीक है, चलिए क्लास लीजिए, मिलते हैं, थैंक यू संजीव, थैंक यू क्लास, थैंक यू रजत सर, थैंक यू सर, गाइस यू वांट अ ब्रेक, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, यू वांट अ ब्रेक, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मैं पूछ रहा अगर आप लोगों को ब्रेक चाहिए तो ब्रेक दे सकता हूँ, जब मिल गया तो सर, पर आप देंगे तो मना नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है सर, आई मीन ब्रो जैसा आप लोग कहेंगे वैसा, कोई इशू नहीं,
सर अभी स्टेबिलिटी की क्लास करोगे या फिर नेविगेशन की? मैं स्टेबिलिटी करूंगा यार आज, क्योंकि काफी पीछे चल रहे हैं स्टेबिलिटी में, और तीन क्लासेस मतलब छह सात क्लासेस हमारी नेविगेशन हो गई है सब के लिए। ओके सर। पांच एक मिनट का ब्रेक ले लो, फिर मुझे बताना जब कहोगे तब स्टार्ट करेंगे। ब्रेक मिल गया, मिल गया था। ठीक है, मिला कैसे? समझा नहीं मैं, मुझे कैसे मिला? सर सिस्टम से ऑफ कर ऑन किया था। इसका टीम सेट नहीं चल रहा था सर। इतनी तेज पानी नहीं हम ले। समझ नहीं आई मुझे बात। शुभम क्या बोल रहे हो? सर उनका सिस्टम नहीं चल रहा था, हमने स्विच ऑन करके स्विच ऑफ करके ऑन किया, और तब तक हम लोग को 15 मिनट्स का ब्रेक दे दिया। फिर वो 11:01:30 पे आए थे, और फिर उन्होंने 10 मिनट्स आपके क्लास के लिए लिए। अच्छा अच्छा, ऐसे हो गया। ओके, इट इज अदर वे। ठीक, समझ गया। ओके, कोई बात। क्या आप पढ़ा रहे थे चार्ट वर्क? हाँ सर, शायद। ठीक है, तू क्या कह रहा है? शायद शायद भाई, तू शायद ही बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं। क्या पढ़ना है हमारे को आज? लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे हम स्टेबिलिटी में? रिजर्व बोयेंसी किया था सर हमने। सर रिजर्व बोयेंसी किया था हमने। ठीक है, वो आज हमारे को क्या करना है? हमारे को एक खास चीज करनी है, दैट इज कॉल्ड टीपीसी, टर्न्स पर सेंटीमीटर। टीपीसी सुना हुआ किसी ने? यस सर, यस सर, यस सर। मतलब लॉजिक ये है टन्स पर सेंटीमीटर का, कि मैं कितना वजन डालूं या निकालूं जहाज के ऊपर से, ऊपर या ऊपर से, कि मेरा जहाज या तो एक सेंटीमीटर और डूब जाए या एक सेंटीमीटर बाहर आ जाए। That is what is called tons per centimeter. क्योंकि हम जो वजन है वो हमेशा टन्स में करते हैं, कि बहुत बड़ा वजन होता है हमारे जहाजों के ऊपर। सो कितना वजन डालूं कि वो एक सेंटीमीटर डूब जाए या एक सेंटीमीटर बाहर आ जाए, उसी को टन्स पर सेंटीमीटर कहते हैं देसी भाषा में। तो काफी आसान है समझना, पर इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है कि एक होता है कंसिस्टेंट शेप, जैसे क्यूब हो गया या क्यूबॉइड हो गया, है ना, और एक होता है शिप शेप। एक है ये कंसिस्टेंट शेप और एक है ये शिप शेप, है ना। तो ये जो कंसिस्टेंट शेप है, और इसको कहते हैं शिप शेप। टीपीसी ऑफ अ कंसिस्टेंट शेप, टीपीसी एट एनी ड्राफ्ट
इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू. और इसकी बात करूं तो CPC at any draft is not constant value. क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या मतलब हुआ इस बात का? ये मैं समझाता हूं. मान लेते हैं ये जहाज का ड्राफ्ट था, इस वाले जहाज का कंसिस्टेंट शेप के जहाज का ड्राफ्ट था 2 मीटर. तो 2 मीटर पे अगर टीपीसी की वैल्यू, टीपीसी एट 2 मीटर लेट से 20 है टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो इस वाले जहाज के लिए टीपीसी एट 3 मीटर विल ऑल्सो बी 20, TPC at 4 meter will also be 20 and so on. It's a constant value. जबकि अगर इस जहाज की TPC at 2 meter is 20, तो TPC at 3 meter may be 21, TPC at 4 meter may be 21.5. क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कंसिस्टेंट शेप का जहाज होता है, कंसिस्टेंट शेप वाली चीज होती है, उसमें टीपीसी कांस्टेंट रहती है, जबकि फॉर अ शिप शेप इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू. एंड नॉर्मली इंक्रीज टीपीसी इंक्रीजेस with the increase in draft. लिख देता हूं, not normally TPC increases with increase in draft. ठीक है. क्या ये बात समझ में आई सबके? सर वो इंक्रीज क्यों होती है सर, समझ नहीं आया टीपीसी इंक्रीज क्यों होती है. कोई बात नहीं. जब हमारा जहाज लोडेड होता है और जब हमारा जहाज लास्ट वॉयज में होता है, किस में वजन ज्यादा होता है? लोडेड सर. लोडेड. तो मोमेंटम हमारे जहाज का लोडेड वेसल का ज्यादा होता है या बैलास्ट वाले का? विद द सेम स्पीड लोडेड, है ना. तो जितना ज्यादा हमारा जहाज लोडेड होगा उतना ज्यादा उसका मोमेंटम होगा, उतना ज्यादा वो देर से रुकेगा और देर से चलेगा. क्या ये बात भी सही है? यस सर. समथिंग लाइक दैट इज एप्लीकेबल टू दिस ऑल्सो. जैसे जैसे हमारा ड्राफ्ट बढ़ जाएगा वैसे वैसे वजन बढ़ गया, उस वजन को और डुबोने के लिए और ज्यादा वजन चाहिए. मेरी बात समझा? यस सर. क्लियर होगी बात? सिंपल फंडामेंटल है ना. हाँ जी, एक बार ये छाप लो. कोई क्वेश्चन बच्चे पूछो, फिर मैं इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन करा रहा हूँ. डेरिवेशन मान लो एक छोटी सी फॉर्मूला डिराइव करा रहा हूँ टीपीसी का. वैसे मैं बता भी सकता हूँ डायरेक्टली, बट आई वुड लाइक टू ड्राइव. क्या बता दूं या करवा दूं, समझा दूं? समझा दीजिएगा. ये है यार फॉर्मूला टीपीसी का. कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन.
क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं व्हाट यू सॉरी क्या कह रहे बेटा सर डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय किसके साथ है 100 के साथ सर दिख नहीं रहा है अच्छा दिख नहीं रहा क्यों क्या अब दिख रहा है कैन यू सी नाउ दिलजोत हां जी सर देख रहा है सर मेरी थोड़ी पिक्चर क्वालिटी नेट स्लो है तो कम से आ रही थोड़ी इधर भी ब्लर आ रही है सर नहीं सर ब्लर आ रहा है ब्लर आ रहा है ब्लर आ रहा है सर सबको ब्लर आ रहा है सर ब्लर आ रहा है यस सर ब्लर आ रहा है अच्छा मैं एक बार इन आउट करके देखता हूं एक मिनट रुको ऐसा होना तो नीचे मेरे हिसाब से ठीक जा रहा है एक मिनट रुको चेक कर हाँ जी सब तो बताए मुझे कि आप ठीक है यस गाइस कैन यू हेल्प पहले से ठीक है यस सर ओके सर वो आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्लैश एरिया वाटर प्लेन लिखा है वाटर प्लेन चलो अब समझते हैं इसको अगर कहते हो समझना चाहते हो समझा देता हूं हाउ टू कैलकुलेट द एरिया हाउ टू कैलकुलेट द टीपीसी बाय फॉर्मूला निखिल तूने कुछ पूछा ना भी व्हाई टीपीसी इंक्रीज विद इंक्रीज इन ग्राफ किसने पूछा था यस सर मैंने पूछा सर यस सर यस सर मैंने पूछा सर टीपीसी की इंक्रीज क्यों करती है ड्राफ्ट के साथ हां मैं इसको ऊपर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आई कैन डू इट विद दिस फार्मूला आल्सो यू विल अंडरस्टैंड लेट्स से ये वाला जो जहाज है एट एनी गिवन ड्राफ्ट अगर जहाज एक सेंटीमीटर डुबोना है तो मैं मोटा मोटी इसको एक सेंटीमीटर मानू डायग्राम अच्छा नहीं बना बट समझ लेना है ना क्या ये बात सही है यस दिस इज वन सेंटीमीटर और इस पॉइंट पे जहाज का इस जहाज का जो वाटर प्लेन एरिया था वो ए के बराबर था तो क्या डिस्प्लेसमेंट को हम अंडर वाटर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कह सकते हैं हेलो तो यस सर हमें क्या था कि कितना वजन डालूं कि मेरा जहाज एक सेंटीमीटर डूब जाए कितना वजन डालूं मतलब डब्ल्यू निकालना है मेरे को विच इज बेसिकली अभी डब्ल्यू रख रहा हूं इसको डब्ल्यू भी कह सकता हूं इसको मैं टीपीसी भी कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वाटर प्लेन एरिया इंटू वन सेंटीमीटर इज 1/100 ऑफ मीटर इंटू डेंसिटी क्या ये बात सही है यस सर बट सर ये वेट जगह पे भी तो डिपेंड करेगा कौन सी पोजीशन पे रख रहे हैं सर मैं अभी इसी की बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी मैं कंसिस्टेंट शेप की बात कर रहा हूँ किसी भी ड्राफ्ट पे मैं होऊंगा उसका वाटर प्लेन का एरिया सेम रहने वाला है इस पे इस शेप के लिए
हेलो, किसने पूछा था भाई? हाँ जी सर, हाँ जी, आ रही है बात समझ में बेटे? देखो अरे, हम जहाज में कहीं भी वजन रखे हाथ तो डूबेगा ना। हाँ जी सर, हाँ, लॉजिकल सी बात। चलो आगे बढ़ाऊ, और इसको मैं कह सकता हूँ ए, इसमें क्योंकि ए ए बाय 100 इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू टीपीसी। क्या ये बात सही है? हाँ जी सही है कि नहीं? हाँ सर, सेकंड सेकंड। अब ये बात तो हो गई कंसिस्टेंट शेप के लिए। अब मैं बताता हूं, मान लेते हैं ये मेरा जहाज का ड्राफ्ट था। अब इस ड्राफ्ट पे मुझे 1 सेंटीमीटर डुबोना था सपोज, और इस पॉइंट पे एरिया ऑफ वाटर प्लेन वाज A1, सो W इज इक्वल टू अंडर वाटर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी फॉर शिप शेप। W इज इक्वल टू टीपीसी इज इक्वल टू A1 इंटू 1/100 इंटू डेंसिटी, और टीपीसी इज इक्वल टू A1/100 इंटू डेंसिटी। क्या ये बात सही है? Yes, sir. अब की बात है, अगर यहाँ पे एरिया A1 है तो किसी और ड्राफ्ट पे एरिया क्या होगा? A2। तो किसी और ड्राफ्ट पे टीपीसी एट एनी ड्राफ्ट, थोड़ा ज्यादा क्लोज हो गया, टीपीसी एट एनी ड्राफ्ट, है ना? तो नॉर्मली ड्राफ्ट जैसे जैसे बढ़ता है एरिया ऑफ वाटर प्लेन इंक्रीज होता है, तो क्योंकि नॉर्मली एरिया ऑफ वाटर प्लेन इंक्रीज होता है तो टीपीसी भी इंक्रीज होता है। कितना बात समझ में आई? सर बोर्ड पूरा ब्लर है। सर बोर्ड पूरा ब्लर आ रहा है यार, सबको दिख रहा है क्या ब्लर? क्या चाहते हो आज पढ़ाऊं कि नहीं? बंद कर दूं है, मेरे पे एक ऑप्शन और भी है। क्या गुरनानी साहब तंग आ गए क्या? मेरा बोर्ड दिख नहीं रहा तुम्हारे को? नहीं सर, ब्लर है। उनका भी बोर्ड नहीं दिख रहा था सर। उनका यार एक्चुअली ना, जो गुरनानी सर है और मेरे घर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ही जस्ट अराउंड 3-4 किलोमीटर फ्रॉम माई होम। हम लोग काफी नजदीक रहते हैं, तो हो सकता है हमारे पूरे एरिया में नेट का कुछ इशू हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पर फिर भी अगर मैं तुम्हारा नोट्स भी दिखा देता हूँ, नोट्स से भी काम चला सकते हैं, आई कैन डू दैट ऑल्सो। लो सर, अब आपको स्क्रीन से दिख रहा है सब कुछ? नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। अब तो कोई ब्लर नहीं आ रहा, अब ठीक है? सही है सर। ठीक है भाई, सर नोट बनाओ।
सर अभी जो आपने बोर्ड पे समझाया था उसका मतलब सर हर एक ड्राफ्ट पे हमारा टीपीसी चेंज होगा सर? हाँ बिल्कुल 100% सर, बट शिप पर्टिकुलर्स में तो एक ही टीपीसी दिया रहता है। अच्छा एक बात बता, शिप पर्टिकुलर में तो डिस्प्लेसमेंट भी एक ही दिया होता है? यस सर। मिल गया आंसर सर, बट उसी को यूज करते हैं ड्राफ्ट्स ड्राफ्ट्स पे, तो मैंने तो देखा नहीं सर, वो वही टीपीसी को सर्वेयर यूज करते हैं सर। देखो ऐसा हो सकता है कि तुमने हमेशा फुल लोड किया हो समर लोड पे, इसलिए वो हमेशा वही यूज कर लेता होगा। हो सकता है यस सर, अदरवाइज तो क्या कहते हैं, टीपीसी इज अ चेंजेबल क्वांटिटी, हर वैल्यू पे चेंज होता जाता है। कॉपी सर, थैंक यू। हाँ जी आगे बढ़ा दूँ? हाँ जी, देखिए स्क्रीन चेंज कर दी है मैंने, जो मैं बोर्ड पे आपको डायग्रामेटिकली समझा रहा था वही मैंने शब्दों में लिखा हुआ है। अब आप शब्दों से समझ लें और नोट डाउन करें। सर हाँ जी, हाँ जी बोलो बोलो। ये सर जिनका अगर ब्लॉक कोएफिशिएंट ज्यादा होगा तो उनका सर टीपीसी भी ज्यादा होगा क्या? जिसका ब्लॉक कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, एक ब्लॉक कोएफिशिएंट की भी वैल्यू ना सेम नहीं होती, इट विल कीप ऑन चेंजिंग विद द ड्राफ्ट। हाँ सर, यस सर, ऑप्शन की वैल्यू भी ड्राफ्ट के साथ चेंज होती रहती है, सिंपल फंडामेंटल। यस सर, बट जो हम टीपीसी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एरिया ऑफ वाटर प्लेन, तो लॉजिकली हम टू डायमेंशन में बात कर रहे हैं, तो अगर तूने फंडा यूज करना ही है तो सी डब्ल्यू का फंडा यूज कर, वो मैं समझ सकता हूँ, सी बी नहीं। आई बात समझ में? हाँ सर, सी डब्ल्यू यूज कर सकते हैं। यही बात तेरी अब ठीक है? यस सर, यस सर। हाँ जी आगे बढ़ाऊं?
नोट्स बनाइए प्लीज. किसी को कोई भी डाउट आता है प्लीज डोंट हेजिटेट, एब्सोल्युटली नॉट. छोटे से छोटी सी भी चीज दिमाग में क्लिक करती है मेरे से पूछ लो. हाँ जी आगे बढ़ा दूं. एक मिनट सर. राइट डाउन दिस. सॉल्ट वाटर के लिए टीपीसी की वैल्यू हमेशा अलग होती है, फ्रेश वाटर के लिए अलग और डेंसिटी सॉरी टॉप वाटर डेंसिटी के लिए अलग. सर एक सेकंड पीछे कर लेंगे. एक सेकंड. हाँ जी सर श्योर दिखाता हूँ. एक मिनट रुक मैं दिखाता हूँ. ओके सर. बड़े बच्चे उतार ले तुम पीछे करता हूँ. सॉरी ये वाला चाहिए बेटा. हाँ सर इसके एग्जैक्ट पीछे है. बस सर एक सेकंड. हो गया सर. थैंक यू. ओके देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द डेडवेट एंड द टीपीसी. वी कैन कैलकुलेट द डेडवेट यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हिच इज कमिंग ऑन टू योर स्क्रीन व्हिच सेज डेडवेट इन एनी पर्टिकुलर वाटर इज इक्वल टू सिंकेज और राइज
in that particular water into TPC of that particular water. कितने लोगों मेरी बात समझ नहीं आई? कुछ ये लिखी नहीं हुई इसके ऊपर. सर ये हम सिंकेज राइस की कौन सी बात कर रहे हैं सर? ये समझ में नहीं आया. लेते हैं इसको मैं समझाता हूँ बहुत आसान तरीका समझिएगा. मान लेते हैं मेरा जहाज 5 मीटर पर है सपोज ड्राफ्ट के ऊपर, और एट 5 मीटर मेरे जहाज का टीपीसी है 20 टन पर सेंटीमीटर सपोज. अब अगर मुझे 5 सेंटीमीटर जहाज को डुबोना है या डूब गया है तो कितना डेड वेट और मैं लोड कर सकता हूँ बता मेरे को. हाँ सर जितना वो हमारा सिंकेज हुआ इतने इनटू टीपीसी. इनटू टीपीसी तो 100 टन आ गया. यस सर. है ना, दैट इज व्हाट दिस थिंग दिस फॉर्म. चलो अगर टीपीसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड. हाँ जी बोर्ड दिख रहा है आप क्या? यस सर. या अभी भी ब्लर आ रहा है? क्वालिटी वही है बोर्ड की. सॉरी सर ब्लर आ रहा है सर. अरे यार क्या करूं ओम प्रकाश, गाड़ी नुए कैसे चलेगी? किसे सर आप अपने फोन में सर पेंट खोल के समझा दो सर. वो स्क्रीन क्लियर आ रही है सर पूरी. स्क्रीन क्लियर आ रही है. एक्चुअली क्या है, अगर सब चीजें किताबों में होती सपोज तो फिर टीचर की जरूरत नहीं थी ना. हाँ या ना? यस सर, बट वो कोई ऐप होगी सर जिसमें आप मतलब टच करेंगे तो वो टाइप होगा ऐसा कुछ. मैं देख मैं तो इतना एडवांस हूँ नहीं. नवीन सर पढ़ाते हैं सर ऐसे है? नवीन सर कराते हैं पेंट में पूरा. वो इसी पे आ जाता है वो. दैट्स नॉट अ बिग डील, पर मुझे वो पसंद नहीं है. मेरे को आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट. आई like to do it on board. This is much better for me. But yes, अगर problem है, तो उसका एक solution निकालते हैं कुछ ना कुछ. चलो, मैं आपको topic बताता हूँ क्या है मेरा topic. The next topic is, अगर हमारा जहाज salt water से fresh water में जाता है, तो क्या होता है? Sir, density decrease हो जाती है और draft increase. इनको होता है sir, draft बढ़ जाता है. मतलब इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन ड्राफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी क्या है? थोड़ा बोर्ड यूज कर रहा हूँ दाना, मुझे अगर नहीं दिख रहा हो तो. क्लियर है सर अभी, अगर बड़ा बड़ा लिखेंगे तो क्लियर आता है सर. बड़ा बड़ा लिखेंगे सर, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, चलो एग्जांपल से समझाता हूँ.
सब लोग चाइना गए हो शंघाई नहीं गए हो कोई बात नहीं गए हैं शंघाई में ना फ्रेश वाटर है There's a river called Chiva River which has a fresh water. अब मान लो कि तुमने तुम्हारा जहाज शंघाई पायलट को रिसीव करने आ रहा है पायलट का सिंबल यही होता है ना पायलट अब ये जो पायलट को रिसीव करने आ रहा है ये सॉल्ट वाटर है और रिसीव करके जहाज फ्रेश वाटर में जाने वाला है लेट्स से यहां पे जहाज का डिस्प्लेसमेंट था W जब ये जहाज चल के यहां पहुंचेगा तब क्या इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा वेरी स्मॉल अमाउंट displacement will change due to the consumption of a very small amount of consumption of fuel and water with respect to the amount of weight of the ship kya ye baat sahi yes sir practically we can say displacement remains the same kya ye baat sahi yes sir hai na agar displacement remains the same if displacement remains the same what will change so it will give draft. You two in the mind of course you can say draft will change so There are two questions that comes into the mind. What is draft? Yes. Direction of change. Direction का मतलब भाई draft change होगा बढ़ेगा या घटेगा बढ़ेगा या घटेगा direction of change. दूसरा question भाई कितना draft बढ़ेगा या कितना draft घटेगा That is what is called as मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज क्या ये बात सही है यस सर है ना लॉजिकल सी बात है अब पहले इसको सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्शन ऑफ चेंज तो डायरेक्शन ऑफ चेंज को सेटिस्फाई करने के लिए अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पे जहाज का अंडर वाटर डिस्प्लेसमेंट अंडर वाटर वॉल्यूम V1 था और डेंसिटी सॉल्ट वाटर थी क्या ये बात सही है यस सर और यहां पे अगर मैं कहूं कि V2 इंटू डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर थी क्या ये बात भी सही है यस सर अब हमारे को मालूम है ये डेंसिटी होती है 1.025 और ये डेंसिटी होती है 1.000 अगर लॉजिकली समझा जाए ये वैल्यू दोनों में सेम है और ये वैल्यू इसकी बड़ी है इसकी छोटी है तो V1 हैज टू बी स्मॉल एंड V2 हैज टू बी बिग क्या ये बात सही है हेलो यस सर सिंपल सी बात है ना इसका मतलब ये हुआ कि जब जहाज सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है उसका अंडर वाटर वॉल्यूम बढ़ जाता है इसका मतलब ड्राफ्ट बढ़ जाता है ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया क्या ये बात सही है यस सर यस सर ठीक है एक बार छाप लो फिर सेकंड पे आता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज पे
हाँ जी, सबको समझ में आई बात? अब बात कर रहा हूँ मैं मैग्नेटिक, यानी कि अगर जहाज सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाएगा, अभी हमें ये तो पता लग गया कि भाई ड्राफ्ट बढ़ जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कितना बढ़ जाएगा, भाई कितना ड्राफ्ट चेंज हो जाएगा, कितना ड्राफ्ट बढ़ जाएगा। दैट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर अलाउंस। क्या बोलते हैं इसको, कि ड्राफ्ट कितना बढ़ जाएगा, उसको हमने नाम दे दिया है फ्रेश वाटर अलाउंस। फ्रेश वाटर अलाउंस क्यों कहा, ये बाद में बताता हूँ, अभी के लिए समझो कि इसको कहते हैं फ्रेश वाटर अलाउंस। And this is calculated using the formula for TPC. और क्योंकि ये TPC हम use कर रहे हैं, तो ये जो fresh water allowance की value आएगी, ये centimeter में आएगी. This is the magnitude of change. ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? Yes sir. ठीक है, इस फॉर्मूले की एक डेरिवेशन है, नॉर्मली मैं कराता हूँ क्लास में, पिछले दो तीन बैच से मैंने करानी बंद कर दी है, इज नॉट रिक्वायर्ड, अदरवाइज देयर इज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल डेरिवेशन, 15-20 मिनट लगते हैं कराने में, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो अब हमारे दोनों क्वेश्चंस के जवाब हमें मिल गए कि अगर मेरा जहाज सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है, अगर वो अपने सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट पर था, तो उसका ड्राफ्ट बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ जाएगा डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट सॉल्ट वाटर डिवाइड बाय 40 टीपीसी सॉल्ट वाटर। अब ये टीपीसी हमें सॉल्ट वाटर अभी क्यों लिखा है, पहले नहीं लिखा था, इसके पीछे रीजन था। नॉर्मली हम फ्रेश वाटर अलाउंस जो कैलकुलेशन करते हैं वो समर डिस्प्लेसमेंट पर ही करते हैं, बट अगर हम किसी और डिस्प्लेसमेंट पे करना चाह रहे हैं तो वो फ्रेश वाटर अलाउंस की वैल्यू डिफरेंट आएगी, यानी कितना बढ़ेगा वो डिफरेंट आएगी, वो नॉर्मली हम बात नहीं करते। इसीलिए मैंने दोनों वैल्यू लिखी थी, पहले मैंने सॉल्ट वाटर नहीं लिखा, अब सॉल्ट वाटर लिख दिया, ताकि तुम्हारे ये बात समझ में आए कि फॉर समर डिस्प्लेसमेंट के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, किसी और डिस्प्लेसमेंट के लिए वो वैल्यू अलग होगी। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब ये जो मैंने बात कही, ये दो सिनेरियो मैंने लिए, यानी कि एक फ्रेश वाटर लिया और एक सॉल्ट वाटर लिया। भाई भैया हमेशा ऐसा थोड़ी होगा कि जहाज हमेशा सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में या फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में जाएगा, इट कुड बी अनदर डेंसिटी ऑल्सो, हाँ या ना, इट कुड बी अनदर डेंसिटी जिसको हम कहते हैं डॉग पॉट। थोड़ा मिटा दूं मैं और आप लोग की इजाजत हो तो। यस सर। यस सर। एक सेकंड, ऊपर से मिटा रहा हूं। यानी कि अगर मेरा जहाज किसी डेंसिटी से किसी भी और डेंसिटी पे जा रहा है, तो उसको उसको कहते हैं डॉक वाटर अलाउंस, यानी कितना ड्राफ्ट बढ़ जाएगा या घट जाएगा इफ इन एनी अदर डेंसिटी, दैट इज गिवन एज डिफरेंस इन डेंसिटी divide by 0.025 into fresh water allowance. हाँ जी, बात समझ में आ रही है? Yes sir.
हाँ जी, क्या सबको बात समझ में आ रही है? यस सर। एक क्वेश्चन कराऊं इसके ऊपर बेस्ड? यस सर। राइट डाउन वन क्वेश्चन। If a vessel having freshwater allowance, goes from water of relative density 1018 to water of relative density, यानी कि fresh water allowance की value दी हुई है 20 centimeter और जहाज 1018 से 1006 पर जा रहा है. Calculate change and direction of draft. हाँ जी, क्या आप लोग कर पाएंगे ये? Yes, sir. अब इसमें क्या करेंगे, जो डेंसिटी बड़ी होती है उसको दिमाग में सॉल्ट वाटर मान लेंगे और जो डेंसिटी छोटी होती है उसको अपने दिमाग में फ्रेश वाटर मान लेंगे. तो हम क्या कहेंगे, जहाज सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जा रहा है तो ड्राफ्ट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा सर. बढ़ जाएगा. तो पहली बात तो डायरेक्शन मिल गई, वहां को ड्राफ्ट विल इंक्रीज, ड्राफ्ट विल इंक्रीज, ये तो पता लग गया. अब ड्राफ्ट कितना बढ़ेगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? डॉक वाटर अलाउंस लगा के. डॉक वाटर अलाउंस कैसे लगाएंगे? 1018 माइनस 1006 डिवाइड बाय 0.025 20. इसको हम ऐसे लिखते हैं 12/25 इंटू में 20. कितने लोगों को बात समझ में आई? 9.6. यस सर. ना कितना आ रहा है? 9.6 सेंटीमीटर. तो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ चेंज इन ड्राफ्ट. द ड्राफ्ट विल इंक्रीज बाय 9.6 सेंटीमीटर. क्या ये बात सही है? यस सर. ठीक है. यस सर. अच्छा एक चीज और नोट कर लो, ये आगे फ्यूचर में काम आएगी. TPC is proportional to density. क्या ये बात सही है? So TPC fresh water is proportional to 1.00 and TPC salt water is proportional to 1.025. So हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, TPC fresh water, TPC salt water is equal to 1.00 divided by 1.025. और हम ऐसा भी कह सकते हैं, TPC fresh water is equal to TPC salt water into 1.00 divided by 1.025. That's how we normally convert the TPC of salt water to any other density.
सर अगर ये हम दो अलग अलग डेंसिटी की बात करते हैं तो सर छोटी वाली डेंसिटी ऊपर आ जाएगी और बड़ी वाली नीचे, अगर तो जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन हाँ सिंपल